हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास सिक्स में चैप्टर सिक्स इंटीजर्स की एक्सरसाइज 6.1। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, ड्रू अ नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग। नंबर लाइन बनाकर इन क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। बोलो विच नंबर विल बी रीच इफ वी मूव फोर नंबर टू राइट ऑफ -2। यानी -2 के अगर राइट साइड में हम चार नंबर मूव करें तो कहाँ पर पहुँच जाएंगे। देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ पर नंबर लाइन बना ली, यहाँ लिखा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। देखो स्टूडेंट, ये हमारी होती है राइट हैंड साइड और ये होती है हमारी लेफ्ट हैंड साइड। राइट में हमेशा नंबर बढ़ते हैं और लेफ्ट में हमेशा नंबर घटते हैं। इसमें घटते हुए चलेंगे और इसमें हमेशा बढ़ते हुए चलेंगे। -1, -2, -3, -4, -5। क्लियर? इतना करने बाद क्वेश्चन बोला है हमें फिलहाल कहाँ पर अभी -2 पे हैं और कितने मूव करने हैं, चार मूव करने हैं। किस डायरेक्शन में करने हैं? फोर नंबर राइट साइड में मूव करना है। देखो, एक नंबर मूव किया, 2, 3 और 4। चार करने पे हम कहाँ पहुँच गए? 2 पे पहुँच गए। तो आंसर क्या हो जाएगा? वी विल रीच 2। क्लियर? ये हमारे ए पार्ट का आंसर हो जाएगा। अब डिस्कस करेंगे इसका बी पार्ट। बी पार्ट में भी सेम कंडीशन है। बोला विच नंबर वी विल वी रीच इफ मूव 5 नंबर टू द लेफ्ट ऑफ 1 के लेफ्ट साइड में हमें 5 नंबर मूव करने हैं। देखो यहाँ 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, 4, 5, 6, 7। ये लेफ्ट साइड है, नंबर घटेंगे। ये राइट साइड है, इस तरफ नंबर हमेशा बढ़ते जाएंगे। कहाँ पर हम 1 पे हैं? चलो जी, ये रहा हमारा 1 और मूव कितने करने? 5 करें। कौन से डायरेक्शन में? लेफ्ट में। लेफ्ट हमारे इधर है। देखो, 1, 2, 3, 4 और 5। तो मूव करते करते हम कहाँ पे पहुँच गए? -4 पे पहुँच गए। आंसर हो जाएगा वी विल रीच -4। क्लियर? ये हमारा बी पार्ट हो गया। अब डिस्कस करेंगे इसका सी पार्ट। सी पार्ट में बोला है इफ़ वी आर ऑन -8, अगर हम -8 पे हैं नंबर लाइन में, और हमें किस डायरेक्शन में जाना होगा अगर हम मूव करके -13 पे पहुंच जाते हैं तो। तो यहाँ मैं नंबर लाइन बनाई, देखो यहाँ 0, 1, 2, -1, -2, -3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। देखो जरा, यहाँ अभी फ़िलहाल हम कहाँ थे? -8 पे थे। ये तो हमारी करंट पोजीशन है, अभी फ़िलहाल हम यहाँ पे मौजूद हैं। और पहुँच कहाँ गए? -13 पे। अब 8 से 13 में गए, मैंने क्या बोला? ये लेफ्ट साइड है और ये हमारी राइट साइड है। हम -8 से पहुँच गए -13 पे, तो हमने कौन सी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा? यहाँ से यहाँ गए तो हमें लेफ़्ट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। कौन सी डायरेक्शन? लेफ़्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा? सो वी विल मूव टू द लेफ्ट। क्लियर? ये हमारा सी पार्ट हो गया। अब डिस्कस करेंगे इसका डी पार्ट। डी में बोला है इफ वी आर ऑन -6, अगर -6 पे है नंबर लाइन में, हमें कौन सी डायरेक्शन में जाना मूव करना पड़ेगा अगर -1 पे पहुंचना चाहते हैं तो। यहाँ लिखा 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। कहाँ पर हम अभी? फ़िलहाल तो -6 पे हैं, ये हमारी करंट पोजीशन है। पहुँचना कहाँ पर है? -1 पे, मतलब यहाँ से यहाँ आना चाहते हैं तो हमें इस डायरेक्शन में जाना होगा। ये हमारी कौन सी होती है? राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में हमें राइट साइड में जाना होगा। ठीक, तो आंसर में मैं लिख देता हूँ, सो वी विल मूव टू द राइट। क्लियर? इसी के साथ हमारा डी पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।